नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सपा से बर्खास्तगी के बाद अखिलेश के अगले दांव पर सबकी नजर। सीएम अखिलेश पार्टी विधायकों संग कर रहे हैं बैठक। सूत्रों के मुताबिक 180 से ज्यादा विधायक अखिलेश की बैठक में मौजूद। अखिलेश के समर्थन में किए जा रहे हैं हस्ताक्षर। वही मुलायम सिंह यादव ने भी बुलाई बैठक। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में रात भर चलता रहा प्रदर्शन। अखिलेश समर्थकों ने जलाए शिवपाल के पुतले। वहीं मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी हुई नारेबाजी। नए साल से ठीक पहले आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे पीएम मोदी। नोटबंदी के बाद के रोड मैप के साथ कर सकते हैं कई सौगातों का ऐलान। नए साल पर आरबीआई का नया तोहफा। अब एटीएम से एक दिन में आप निकाल पाएंगे 4500 रुपए। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का सितम जारी। दिल्ली आने वाली ट्रेनें चल रही हैं देरी से। कई हवाई सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर के बचाव में फिर उतरा चीन। संयुक्त राष्ट्र में आतंकी लिस्ट में डालने के भारत के प्रस्ताव को किया ब्लॉक। विदेश मंत्रालय ने जताई हैरानी। और इसराइल ने अपने नागरिकों को जारी की चेतावनी। नए साल पर भारत में आतंकी हमले के मद्देनजर इजरायली पर्यटकों को सतर्कता बरतने को कहा। भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में हमले की जताई आशंका। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।